गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, फाइन एंड सेफ होंगे। सो आज सुबह से बारिश हो रहा है, सुबह से नहीं रात से बारिश हो रहा है। लाइक थोड़ा 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 करके बारिश, ऐसे किसको निम्रो छाप बोलते, कुछ बोलते होंगे बंगाली में। सो मैं बहुत लेट से ब्लॉग को स्टार्ट करी बिकॉज मैं सोई हुई थी, मतलब क्या ही बोले, ऐसा वेदर में किसको नहीं नींद आता है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू एंड वेस्टिंग टाइम, चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग आज के ब्लॉग बहुत 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 पसंद आएगा एंड आप लोगों को मेरा ड्रीम वैनिटी रिवील मैंने जो किया है वो आप लोगों को कैसा लगा, वो ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा वो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। लोग के पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को कैसा लगता है मेरा ब्लॉग। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। एंड अभी मैं सोच रही हूँ एक शूट करूँगी, एक नहीं, मुझे बहुत सारे शूट्स करने हैं एक्चुअली। आप लोगों के लिए पर्सनली मुझे एक शूट करना है, वो है वैनिटी का टूर। आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं ये सुन के वो मुझे बताओ। एंड आप लोगों को बहुत जल्दी वो वीडियो मिलेगा, उसके पहले मुझे थोड़ा सा एडिट का काम करना है एंड ब्लॉग भी पब्लिश हो जाएगा 12:30 बजे। सो या फटाफट से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं एंड जितना बचा कुचा दिन है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो दिस इज़ फॉर माई टुडेज ब्रेकफास्ट। मम्मा ने दिया है रेडी करके बनाना बटर एंड क्या उसको बोलते हैं, ब्रेड टोस्ट एंड चाय, बिकॉज अभी बहुत बारिश हो रहा है। तो दिस इज़ द परफेक्ट थिंग एंड हियर गोज माय वैनिटी, मेरा प्यारा वाला वैनिटी। अभी यंजन मम्मी क्या शेजानी कर, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, बैक कैमरा ऑन करके देखना। हाँ ये लोग ऐसे ही करते रहते हैं, आगे कुछ नहीं बोलेंगे। अरे आगे तो बोलो, बाबू दादी बाबू दादी। रिसीविंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स लाइक आपके पीआर दिखाओ, ब्रांड्स आपको क्या भेजते हैं वो सब दिखाओ, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो मुझे क्वेंच के तरफ से ये सब रिसीव हुए थे, जैसे कि आप लोग देख सक रहे हो। मैंने अभी तक इसका वीडियो पोस्ट नहीं किया, आज ही मैं पोस्ट कर दूँगी। सो ये जो मुझे रिसीव हुए थे, फेस वॉश, फेस मिस्ट, मॉइस्चराइजर, क्ले मास्क, यस, स्किन डिटॉक्स का ये वो होता है ना, बबल शीट मास्क। एंड मैंने बहुत ऐसे शीट मास्क यूज़ नहीं किया है, अब मैं खरीदूँगी, खरीद के मुझे स्किन केयर में रखना है। एंड ये आई मास्क है एंड ये पैच है, एक्ने पैच। सो ये मुझे प्रोडक्ट पेंच की तरफ से रिसीव हुआ है। ब्लू हेवन की तरफ से क्या रिसीव हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। की तरफ से मुझे ये पोर टाइटनिंग टोनर एंड ये रिसीव हुआ था। सो ये रहा, अभी डॉट एंड की तरफ से और एक कोलैबोरेशन आया है, वो जब आएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फिलहाल अभी ये है, शैम्पू भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट दिखाती हूँ। अब इसके बाद मैं ब्लू हेवन का दिखाऊंगी, फिर शैम्पू दिखाती हूँ। मोर थिंग, क्वेंच की तरफ से मुझे ये सीरम भी रिसीव हुआ है, तो वो मैं इस टाइम नहीं दिखा पाई, मैं अभी दिखा दे रही हूँ। नेक्स्ट है ब्लू हेवन का प्रोडक्ट। ब्लू हेवन की तरफ से मुझे ये रिसीव हुआ है, दो लिपस्टिक, एक आईब्रो स्कल्ट एंड ये है आई शेडो एंड ये है दो काजल। सो ये मुझे ब्लू हेवन की तरफ से रिसीव हुआ था। मैंने अभी तो कुछ भी नहीं खोला है, कुछ भी नहीं देखा है। पता है पहले जब मेरे पास पीआर आता था, पहले जब मैं कुछ खरीदती थी ना, मैं इतना एक्साइटेड हो जाती थी, मैं संग संग खोल के देखने लगती थी। एंड अभी इतने पीआर आते हैं, ये आते हैं, आई डू वैल्यू, ऐसा कि नहीं है कि मैं वैल्यू नहीं करती हूँ, बट वो होता है ना कि एक काम की वजह से एक काम अटक जाता है। सो आज मैं इसका वीडियो करूँगी एंड या नेक्स्ट क्या है वो आप लोग दिखाते हैं। खादी की तरफ से मुझे ये ब्लैक सीड हेयर ऑयल एंड ये है कंडीशनर, रेड अनियन कंडीशनर एंड ये है शैम्पू, तो ये मुझे रिसीव हुआ है खादी की तरफ से। खादी की तरफ से और एक मुझे शैम्पू रिसीव हुआ है, वो है रेड अनियन ऑयल, रेड अनियन शैम्पू एंड रेड अनियन कंडीशनर। सो ये रहा एंड ये मेरा सेल्फ परचेज है, ये मैंने कुछ दिन पहले इंडिया से ख़रीदा था। इंडिया एक ब्रांड है। सो मैं एक बार इसको आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ, स्टैंड फिक्स करके भी दिखाती हूँ। सो ये रहा वो कुर्ती, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक बार। सो ये स्लीवलेस कुर्ती है, ये पूरा स्लीवलेस है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये स्लीवलेस कुर्ती है, मुझे बहुत पसंद आया था। 1200 का ये कुर्ती है, तो कुछ इस तरीके से बहुत ज़्यादा लॉन्ग ही, देख सकते हो, फुल कवर हो जाएगा, बहुत बहुत बढ़िया कुर्ती है। तो मैं इसको पहन के वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग देखना। ये मैंने इंडिया से लिया था एंड बहुत ही अच्छा मटेरियल भी है। नेक्स्ट और एक कुर्ती मैंने लिया है, वो इंडिया से नहीं है, ये मीशो से है, फॉर मेरा रेगुलर यूज़ के लिए। ये भी स्लीवलेस है। सो ये ब्यूटीफुल से पिस्ता कलर में, इसको देख सकते हो आप लोग। सो ये है पिस्ता कलर में कुर्ती, इसका भी लेंथ लॉन्ग है, नॉर्मल कुर्ती जैसा होता है वो, एंड इसका प्राइस बहुत अफोर्डेबल है, ये 200 का अंदर है। सो रेगुलर वेयर के लिए मैं ऐसे ही पहनती हूँ। एंड ये रहा 1200 की कुर्ती। सो डिफरेंस बहुत ह्यूज है, इसका क्वालिटी बहुत सॉफ्ट है, ये ठीक ठाक है।
सो पता है प्राइस के वजह से थोड़ा क्वालिटी डिफरेंट होता है, बट ऐसा नहीं है कि मैं हाई एंड भी पहनती हूँ, मैं लो प्राइस का नहीं पहनती, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हाई एंड भी पहनती हूँ, लो प्राइस का पहनती हूँ, मैं सब कुछ मिक्स एंड मैच करके पहनती हूँ। सो ये दो कुर्ती, अगर और कुछ रहते हैं वो आप लोगों को बाद में दिखा देंगे, फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। स्किन केयर तो फर्स्ट मैंने यूज़ किया था ये डॉट एन घी का टोनर, जिसको मैंने आज आप लोगों को सुबह ही दिखाया है। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया सेटाफिल का मॉइस्चराइजर, एंड द थर्ड वन इज़ अ लिप बम। सो बहुत सारे सीरम्स एंड ऑल है, वो सब मैंने यूज़ नहीं किया है। सो दिस वॉज अबाउट माई स्किन केयर, एंड अभी मैं थोड़ा सा अपना बाल ड्राई कर लूँगी बिकॉज बाहर बहुत बारिश हो रहा है, एंड आई डोंट वॉन्ट कि मुझे फिर सर्दी जुकाम हो, बिकॉज मेरा हेयर ट्रीटमेंट का टाइम आ रहा है एंड उस टाइम मेरा सर्दी जुकाम होगा, इतना तो मुझे पता है। सो फटाफट से बाल को ड्राई कर लेते हैं विद अ ड्रायर। अभी मैं लंच कर रही हूँ, तो ये रहा मेरा ब्राउन राइस एंड ये राजमा। मैं आलू वालू नहीं खाऊंगी, सिर्फ राजमा खाऊंगी। मम्मी ने आलू क्यों दिया नहीं पता, मैं एक दो आलू खाऊंगी एंड बाकी राजमा से इतने से चावल खाऊंगी। एंड अभी चल रहा है कार्टून, एंड यहाँ पे है गोरू दुष्टुमी कर रहा है, एंड पूरा घर पर कपड़ा है, बारिश हो रहा है बहुत, इसलिए घर पर कपड़े सूख रहे, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। तो फटाफट से खा लेते हैं। सो आई एम डन शूटिंग, जैसे देख सकते हो, तो ये लुक आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाला है, एंड फटाफट से चेंज कर लेते बिकॉज पूरा घर पे मेस हो रखा है, एंड मैंने लाइट को कमा के रखा है, जैसे देख सकते हो एक सेकेंड, तो मैंने वो लाइट कमा के रखा था बिकॉज मुझे ज़्यादा लाइट्स अभी अच्छे नहीं लग रहे, बिकॉज मैं बहुत देर से लाइट के सामने हूँ। एंड अभी फटाफट से मेकअप रिमूव कर लेते हैं एंड आराम से बैठ के एडिट करते, बिकॉज वो करना बहुत ज़रूरी है। सो फटाफट कर लेते हैं।